हाय गाइस, वेलकम बैक टू मी चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पर्पल की नेल पॉलिश का रिव्यू एंड छोटू सा डेमोज वगैरह होंगे एंड डेमो में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। ओके डियर, आज मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू करूंगी एंड मैंने पर्पल की ऑलरेडी जेल नेल पॉलिशेज का रिव्यू कर चुकी हूँ। 5 या 6 मेरे पास शेड्स हैं। नहीं देखे वीडियो, आप लोगों को मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी क्योंकि वो भी बहुत बेस्ट क्वालिटी वाली नेल पॉलिशेज है, मुझे वो भी बहुत पसंद आई। सारे प्रोडक्ट्स के परचेज लिंक्स आपको मिल जाएंगे। एंड अपनी वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, मैंने अपने लिप्स के ऊपर लगाई हुई स्टे क्वकी की लिक्विड लिपस्टिक शेड नंबर 25 इसलिए बता देती हूँ क्योंकि आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हो एंड फिर मुझसे बार बार क्वेश्चन करते हो एंड मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता कि मैं आप लोगों के ना क्वेश्चंस को रिप्लाई करूं, इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में प्रोवाइड कर देती हूँ। स्टेक वॉकी की लिक्विड लिपस्टिक है शेड नंबर 25 एंड बेस मेकअप लगाया हुआ है NYB की CC क्रीम है। बहुत सही वाली, अच्छी लगी यार मुझे। शीयर टू लाइट कवरेज है इसकी, बट मुझे अच्छी लगी डेली के लिए ना, मेकअप करने के लिए बहुत सही है। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है NYB की CC क्रीम शेड नंबर 2। उसके बाद मैंने स्टेक वॉकी का पेन आईलाइनर लगाया हुआ है, स्टेक वॉकी का, इसकी भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है तो आप जाके देख लेना। हाइलाइटर के लिए आप लोग पूछते हो तो मैंने ये आज लगाया हुआ मेकअप रेवोल्यूशन का विविड बेक्ड हाइलाइटर। लिंक सारे प्रोडक्ट्स के, सारी वीडियोस के डाल दूंगी, इसका ऑलरेडी वीडियो डाल दी हुई है मैंने, इसलिए बता देती हूँ। मुझे समटाइम्स ऐसे फील होता है मेरी वीडियो की ना नोटिफिकेशंस नहीं पहुंचती आप लोगों के पास। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोग बोलोगे वीडियो कम डालती है, इधर उधर की बातें ज्यादा करती है, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ और तो कुछ नहीं। ओके डियर, फटाफट से मैंने इसको प्राइस वगैरह तो देखो जो भी है, मैं आप लोगों को परचेज लिंक्स डाल दूंगी, जो भी इसके ऊपर लिखा मैं आप लोगों को शेड नंबर वगैरह बता दूंगी मेरे पास कौन कौन से हैं। लगाने की बात है ना तो डियर 7 शेड्स हैं मेरे पास, तो नॉट पॉसिबल कि मैं पूरे हाथ के ऊपर ना सातों की सातों को लगाऊं फिर उसको निकालूं एंड फिर से लगाऊं फिर से निकालूं, प्लीज सोचो नहीं मेरे पास इतना टाइम हो पाता है, इतनी सारी वीडियोस और इतने सारे प्रोडक्ट्स करना पड़ता है। तो मैं आपको रिव्यू इसका डेमो कैसे करूंगी, मैं आपको ना एक एक नेल्स के ऊपर लगा के दिखा दूंगी, प्लीज अंडरस्टैंड करना यार, एक एक नेल्स के ऊपर लगा के दिखा दूंगी एंड ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ना कलर का अंदाजा लग जाए, शेड का अंदाजा लग जाए। आप खरीदना चाहते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग देख के खरीद लेना, प्लीज यार माफ कर देना, प्लीज अंडरस्टैंड करना, ठीक है? इतना टाइम मैं नहीं मैनेज कर पा रही हूँ। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। 1-1 फिंगर के ऊपर मैं आपको लगा के दिखा दूंगी ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड सॉरी इसलिए भी बोल रही हूँ यार, मेरे बेटे के एग्जाम शुरू होने वाले हैं 4th February से। आप लोग बोलोगे इधर उधर की बातें करिए, बट आप लोगों को बताना जरूरी है। तो मेरे को होता है मैं ज्यादा टाइम अगर यही सब मैं करती रहूंगी तो उसको कब पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। 4th February से 18th February तक फाइनल एग्जाम्स है, कॉन्वेंट की पढ़ाई है, ICSE बोर्ड का पेपर है, समझो उसके पेपर नहीं है भैया, मेरे पेपर है, टेंशन मुझे हुई पड़ी है, बट आई हैव टू अपलोड द वीडियो ताकि आप लोग उसको खरीद सको। ओके देन, फटाफट से आप इसका देख लो, हैंड स्वैचेस देख लो यार, एक एक फिंगर का ही देख लो, फिंगर स्वैचेस देख लो, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आप देख सकते हो मेरे पास पर्पल की 7 नेल पॉलिशेज हैं एंड ये सारी की सारी ग्लिटर नेल पॉलिशेज है। पर्पल के ऑलरेडी मैं कुछ नेल पॉलिशेज का मैं रिव्यू कर चुकी हूँ, वो जेल वाली नेल पॉलिशेज थी, बहुत सही वाली नेल पॉलिशेज थी, वो भी रेड ब्लू ग्रे बेज कलर में था, पिंक कलर में थी। नहीं देखिए वीडियो तो आप लोगों को मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाके जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है? तो चलो अब आज की जो भी नेल पॉलिशेज है देख सकते हो, मैंने अपने सारे फिंगर्स के ऊपर से वो उतारी हुई है नेल पॉलिश ताकि मैं आप लोगों को लगा के दिखा सकूं। शेड नंबर 2 है हाई ऑन माउंटेन वैलीज, शेड नंबर मेरे पास फिर सीधा ही 2 के बाद सीधा ही मेरे पास शेड नंबर 5 है हाई ऑन हॉरर, फिर है मेरे पास शेड नंबर ये है 6। मैं हमेशा देखो 6 और 9 में कंफ्यूज हो जाती हूँ, बट मैं आपको सही तरीके से बता देती हूँ, ये है 6, ठीक है? ये है 6 हाई ऑन म्यूजिक बीट्स, फिर है मेरे पास 7 हाई ऑन फैग, मेरे पास है 8 हाई ऑन माउंटरिंग, 9 हाई ऑन स्काई डाइविंग एंड 10 हाई ऑन लाइट्स। चलो ये होगी 7 नेल पॉलिशेस, बारी बारी से आपको मैं इनके बारे में दिखाती हूँ। सबसे पहले इनके मैं ऊपर क्या लिखा है वो आपको रीड कर दू। पर्पल की नेल लैक केयर लिखा हुआ है, 9 ml इसकी क्वांटिटी दी हुई है, पैकेजिंग इसकी बहुत सही वाली, आप देख सकते हो ब्लैक एंड गोल्ड गोल्डन के पोल का डॉट्स डाले हुए, पैकेजिंग बिल्कुल सही है, मुझे अच्छी लगी, स्टिकर्स दिया हुआ है, नंबर एंड नेम आपको सब कुछ मिल जाएगा ये वाली नेल पॉलिशेज में, क्वांटिटी भी अच्छी दी हुई है एंड इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है क्योंकि ऑलरेडी मैं इनकी नेल पॉलिशेज यूज कर चुकी हूँ, मुझे पता है। एंड इंग्रेडिएंट्स वगैरह नहीं मेंशन किए हुए बट एक्सपायरी एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंशनड है, आई होप यू कैन सी यार, 2021 में एक्सपायर करेगी, 2018 में मैन्युफैक्चर हुई, तो मतलब आपको इसके 3 साल मिल जाएंगे शेल्फ लाइफ के।
शेड नंबर टू है हाई ऑन माउंटेन वैलीज, फटाफट से आपको मैं लगा के दिखा दूँ, बहुत सही वाली नेल पॉलिश है, मोटे मोटे वाले ग्लिटर्स नहीं होते जैसे मोटे मोटे वाले सिल्वरी, वैसी है ये। सिंगल कोट में अच्छी, सिंगल कोट में तो चलो ठीक है, बट डबल कोट में बहुत अच्छी लगती है। सिंगल कोट में इतना इसका पता नहीं ना लगता। लुक एट दिस, आई होप सही कैमरा कैप्चर कर रहा हो। डबल कोट में और अच्छी लगेगी। बारी बारी से सबको लगा लूँ, फिर सबका डबल कोट आपको करके मैं दिखाती हूँ। ये था शेड नंबर टू, बाकी के शेड्स दिखाती हूँ। शेड नंबर फाइव है, पिंक एंड गोल्डन ग्लिटर में है, देख सकते हो आप। पर इसमें ने पिंक थोड़ा सा लाइट रखा हुआ इन्होंने, इतना ज़्यादा मतलब पिगमेंटेड वाला पिंक नहीं है, गोल्डन गोल्डन ज़्यादा नज़र आता है, बट पिंक का शेड डेफिनेटली आता है इसके अंदर। डबल कोट लगाओगे या ट्रिपल कोट लगाओगे तो आपको और अच्छी तरह से पता लगेगा। ये था शेड नंबर फाइव। अब मैं लगाऊंगी शेड नंबर सिक्स। ये देख लो शेड नंबर सिक्स, हाई ऑन म्यूजिक बीट्स। ये ऐसा ऐसा कलर आता है, क्या बोलूँ मैं इसको, मुझे एक्सप्लेन करना भी नहीं आ रहा। रोज गोल्ड, आई गेस रोज गोल्ड सा शेड इसको बोलते हैं, नॉट श्योर, मे बी मैं गलत बोल रही हूँ, रोज गोल्ड सा शेड है, देख सकते हो आप इसको। इसमें थोड़ा सा और ग्लिटर नजर आ रहा है, वाइटिश सा ग्लिटर। यार मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा रही, आप खुद देख लो शेड को, ठीक है। आपको जो अच्छा लग रहा है, मैं गलत एक्सप्लेन करूँ इससे बेटर मैं ना ही बोलूँ। तो ये आप देख सकते हो कलर, शेड नंबर सिक्स। शेड नंबर सेवन है सिल्वर ग्लिटर सा। फटाफट आपको अप्लाई कर दूं मैं। शेड नंबर सेवन तो पिगमेंटेड है ये, मतलब सिंगल्स आप देख सकते हो, मैंने बस एक बार आप इसको स्वाइप किया, इसका काफी अच्छी पिगमेंटेशन है। डबल में अगर कर देंगे तो बंदा और ज्यादा अच्छा लगेगा। शेड नंबर सेवन। शेड नंबर एट आप देख सकते हो, मैं बोलने वाली थी सेवन है जैसे सिल्वर ग्लिटर में, एट आपको मिल जाएगा गोल्डन ग्लिटर में। प्योर गोल्डन ग्लिटर है, कुछ कलर है मिक्सिंग, कोई कलर एडिशन नहीं किया हुआ इसके अंदर। एंड या सबसे बेस्ट पार्ट मुझे जो मैं बताना बिल्कुल ही भूल गई, इसका एप्लीकेटर देखो आप कितना चौड़ा रखा हुआ इन्होंने, जो मुझे बहुत पसंद आता है पर्पल की नेल पॉलिशेस का। एप्लीकेटर इतना पतले पतले वाले एप्लीकेटर है, मज़ा नहीं आता लगाने में। प्लस इसका एप्लीकेटर आप प्लीज साइड से देखो, पतला सा दिया हुआ है। लेट मी शो यू, ये आप देख सकते हो पतला सा दिया हुआ है कि जब हम इसको अप्लाई करते हैं ना, आराम से ये अप्लाई हो जाता है। जो गोल वाले एप्लीकेटर्स होते हैं ना वो अच्छे नहीं लगते यार, ये थोड़ा सा चपटा सा दिया हुआ इसको, ये अच्छा है। ये है शेड नंबर नाइन, ये पिंक गोल्डन में आ जाता है। शेड नंबर नाइन हाई ऑन स्काई डाइविंग, पिंक गोल्डन में आपको मिल जाएगा। इसमें पिंक कलर की पिगमेंटेशन है, देख सकते हो आप। आपको जो अच्छा लगता है, जो अगर आप पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं, जो आपके कपड़ों के साथ मैच करेगा, आप उसके अकॉर्डिंग को परचेज कर सकते हो। सॉरी यार मेरे नेल्स भी नहीं बड़े हुए, घर का काम करके नेल्स टूट जाते हैं, होप आप लोग अंडरस्टैंड करो। अब ये है शेड नंबर टेन, ये गोल्डन ग्लिटर में आता है, बट ये जो पहले वाला था ये भी गोल्डन है, तो दोनों में फर्क एक्चुअली ये थोड़ा सा डार्क गोल्डन बोलो या कॉपरिश गोल्डन बोलो। शेड नंबर एट जो मैंने आपको लगा के दिखाया था, ये शेड, ये गोल्डन कॉपरिश गोल्डन बोल लो, या फिर ये भी एक गोल्डन शेड है। शेड नंबर टेन हाई ऑन फेरी लाइट्स, देख सकते हो आप इसमें ये फर्क है दोनों में। ये थोड़ा सा कॉपरी शेड में आ जाता है और ये थोड़ा सा इस शेड में आ जाता है। शेड नंबर एट और टेन दोनों में बस ये डिफरेंस है। सिंगल आप देख सकते हो, सिंगल कोट लगाने में कैसे शेड्स आते हैं। एंड अब मैं सबके ना डबल डबल कोट्स लगाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। शेड नंबर टू, शेड नंबर फाइव,
शेड नंबर 6, शेड नंबर 7, शेड नंबर 8, शेड नंबर 9, एंड ये लास्ट शेयर नंबर 10। अब मैंने आपको सब के डबल डबल आपको लगा के दिखा दिए, सेकेंड कोटिंग भी, ताकि आपको पता लग जाए कि कैसा है इनका कलर पिगमेंटेशन वगैरह इनकी कैसी आती है। एंड जो आपको पसंद है आप अपने अकॉर्डिंग शेड को ले सकते हो। लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यही थी मेरी ओके, अब आपने देख लिया इनके फिंगर स्वेचेस वगैरह भी देख लिए, ठीक है डियर। तो मैं परचेज लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी सारे प्रोडक्ट्स के जो मैंने अप्लाई किए हुए हैं, जो वीडियो के लिंक्स है वो भी प्रोवाइड कर दूंगी। आपको जो शेड पसंद आता है, जो आपको ज्यादा अच्छा लगता है, आप जाके इसको खरीद लेना। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड, मुझे बहुत पसंद आई। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर कर देना। और एक्चुअली मैं ना बैक टू बैक वीडियो शूट करती हूँ, तो मैं ये लाइन बोल बोल के ना थक जाती हूँ। तो अगर आपको मेरे चैनल अच्छा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप जरूर उसको सब्सक्राइब कर देना, रेड बटन को आप हिट कर देना, साथ में आपको बेल मिलेगी टिंग 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 टिंग, आपने उसको भी हिट कर देना, ताकि आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ। एंड बाय द वे मैं रोज वीडियो अपलोड करती हूँ। टिल देन बाय।